हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के ऐसे लोगों के बारे में जिनमें सचमुच में सुपर पावर मौजूद है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुनिया का कोई भी बच्चा या किड्स हो, वो एक शो देखते हुए यही चाहता है कि उसके अंदर भी कुछ सुपर पावर्स आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कुछ सुपर पावर्स छुपी होती हैं? बस जरूरत होती है इन पावर्स को पहचान और इस्तेमाल करने की। आपको लगता होगा कि कोई पहलवान ही अपने हाथों से कार या कोई भी भारी चीज लिफ्ट कर सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने की ताकत हर इंसान की बॉडी में होती है। जब कभी हमारी बॉडी को इस बात का एहसास होता है कि अभी हमें किसी एक काम को करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी अपने आप डाइजेशन और ऐसे ही कई काम करना बंद कर देता है ताकि हमारी सारी ताकत उस एक मुश्किल काम को करने में लगा सके। नॉर्मली होता ये है कि हम पहले से ही इस बात को मान लेते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम वैसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जब अचानक ज़रूरत पड़ने पर कोई इंसान कुछ ऐसा काम कर बैठता है जिसे करना उसके लिए असंभव हो जाता है। दरअसल ये सुपर पावर हर शख्स की बॉडी में छुपा होता है, जो जरूरत पड़ने पर लोगों के सामने आ जाता है। 1982 में जॉर्जिया के लॉरेंस विले में रहने वाली एंजेला केवोला ने अपने हाथ से 1964 शेवरोलेट इम्पाला जैसी बड़ी गाड़ी को उठा लिया था। अगर आम दिनों में कोई उन्हें करीब 1600 किलोग्राम वजनी इस गाड़ी को उठाने के लिए कहता, तो शायद वह ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन जब इस गाड़ी के नीचे उनका बेटा दब गया और उसकी जान पर बात आई, तो अचानक उनकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ ये सुपर पावर सामने आ गया। तो आज हम आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे 10 लोगों के बारे में जिनमें सचमुच में सुपर पावर्स मौजूद है। नंबर 1, विम होफ द आइस मैन। विम होफ नीदरलैंड्स के निवासी है और इन्हें द आइस मैन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें बर्फ में भी ठंड नहीं लगती है। इनके नाम सार्स में माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, खाली पैर 2 घंटों तक बर्फ में मैराथन और सबसे ज्यादा समय तक बर्फ वाले पानी में तैरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 2, वेलू राधाकृष्णन। जब हम मजबूत दांतों की बात करते हैं तो दांतों से ज्यादा अखरोट तोड़ने तक की कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन मलेशिया के वेलू राधाकृष्णन ने 18 अक्टूबर 2003 में अपने दांतों से 260.8 टन भारी ट्रेन को 13 फुट 9 इंच तक खींचा था। नंबर 3, बेन अंडरवुड। कैलिफोर्निया के बेन अंडरवुड, जिनको सिर्फ 2 साल की उम्र में रेटिनल कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ ही सालों में खुद को ऐसा बना लिया कि वे जीभ से आवाज निकाल कर आसपास रखी चीजों का बिल्कुल सही पता लगा पाते थे। इस स्किल को इकोलोकेशन कहा जाता है और बेन इसमें इतने माहिर हो गए कि वो दौड़ना, साइकिल चलाना, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना सब कुछ आम लोगों की तरह ही कर पाते थे। बेन के डॉक्टर के अनुसार बेन दुनिया के सबसे बेहतरीन इकोलोकेटर बन गए थे। नंबर 4, डेनियल ब्राउनिंग स्मिथ। डेनियल को दुनिया का सबसे लचीला व्यक्ति माना जाता है। डेनियल अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, इसकी वजह से उन्हें द रबर बॉय नाम भी दिया गया है। डॉक्टरों का मानना है कि डेनियल को ये लचीलापन हाइपरमोबाइल एलर्ट्स टैनल्स नाम के सिंड्रोम की वजह से मिला है। नंबर 5, स्टीफन विल्सायर। लंदन के स्टीफन विल्सायर के अंदर की कमाल की कला है कि उनकी याददाश्त और उनकी पेंटिंग, क्योंकि वो जिस भी चीज को एक बार देख लेते हैं वो बाद में उसकी बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग बना सकते हैं। इस बात का एग्जाम्पल है कि एक बार वे हेलीकॉप्टर से लंदन के शहर के ऊपर से 20 मिनट के लिए उड़े थे और बाद में उन्हें लंदन शहर की बिल्कुल सटीक पेंटिंग बना दी। नंबर 6, लायम ऑर्केस्ट्रा। मिचिगन के लायम ऑर्केस्ट्रा को दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा कहा जाता है। लायम 8 महीने का होने पर ही पुल अप और पुश अप कर लेता था। 3 साल के होने तक लायम डंबल से एक्सरसाइज कर लेता था और उसके 6-पैक एब्स भी बन गए थे और वह भारी सामान को भी आसानी से उठा सकता था, इसलिए लायम को मिनी हुक नाम भी दिया गया था। बाद में डॉक्टरों द्वारा लायम के शरीर को चेक करने पता चला कि लायम को मोस्ट्रेन मसल्स हाइपरट्रॉफी है, जिससे प्रशिक्षित इंसान के शरीर में फैट बहुत कम बनता है और बराबर उम्र के इंसान से 40% ज्यादा मसल्स बनने लगता है, जिससे उसके शरीर में ताकत भी ज्यादा होती है। नंबर 7, प्रहलाद जानी।
प्रहलाद जानी गुजरात में जन्मे एक साधु थे और अंबा देवी की बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद जानी चर्चा में तब आए जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 70 सालों से कुछ न खाया है और न ही पिया है और ऐसा अजूबा वे अंबा देवी की कृपा से कर पा रहे हैं। उनके इस दावे का सच पता लगाने के लिए 2003 में डॉक्टर सुधीर और कुछ सहायक डॉक्टरों ने अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में प्रहलाद जानी का टेस्ट लिया था। इसमें उन्हें 10 दिनों तक एक कैमरे में सीसीटीवी की निगरानी में बंद किया गया, जहां उन्होंने खाने को कुछ नहीं दिया जाता था और पानी सिर्फ नहाने के लिए ही दिया जाता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 10 दिन पूरे होने के बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट लिया गया तो वे बिल्कुल स्वस्थ थे। उसके बाद 2010 में एक बार फिर से उनका टेस्ट लिया गया जिसमें वो दोबारा पास हो गए। 2006 में डिस्कवरी ने प्रहलाद जानी के ऊपर द बॉय विद डिवाइन पावर्स नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। नंबर 8, शकुंतला देवी। भारत की शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि ये बड़े से बड़े गणित के सवाल को सिर्फ दिमाग में ही सोचकर कुछ सेकंड में ही हल कर देती हैं। इनका जन्म 4 नवंबर 1929 में बेंगलोर में हुआ था और बचपन से ही गणित में बहुत ज्यादा रुचि होने के कारण इन्होंने कम उम्र में ही पूरी दुनिया में अपना नाम फेमस कर लिया था। 1950 में बीबीसी में एक वे इंटरव्यू में उन्हें गणित का सवाल पूछा गया जिसे पहले तो गलत बताया, बाद में पता चला कि कंप्यूटर का जवाब गलत था, लेकिन शकुंतला देवी का जवाब बिल्कुल सही था। शकुंतला देवी जी को असली प्रसिद्धि 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मिली, जहां उन्होंने 13 अंकों की गणित को सिर्फ 28 सेकंड में ही गुना करके बता दिया था। इसी के बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया और उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर नाम दिया गया। इनके सम्मान में 2020 में शकुंतला देवी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी। नंबर 9, लिव थो लिन। मलेशिया के लिव थो लिन को मैग्नेट मैन, मैग्नेटिक मैन और मिस्टर मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनके अंदर चुंबकीय शक्ति है जिससे ये अपने शरीर में किसी भी लोहे की चीज को चिपका सकते हैं। लिन 2 kg के एक सामान को कुल 36 kg तक के लोहे का भार अपने शरीर में चिपका सकते थे। अपने इस पावर की मदद से लिन कार को भी खींच चुके हैं। मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जब लिव थो लिन के ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि लिन के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, बल्कि लिन की त्वचा में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण धातु की चीजें उनकी त्वचा में चिपक जाती हैं। नंबर 10, डेन कर्नेजिस। अमेरिका में 1962 में जन्मे डेन ऐसे व्यक्ति जो आम लोगों की तरफ थकते ही नहीं है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स में एक है। डेन आज तक अलग अलग देशों में 50 से ज्यादा मैराथन में भाग ले चुके हैं। डेन को प्रसिद्धि 2005 में मिली जब वे 560 किलोमीटर तक बिना रुके लगातार दौड़े थे, जिसको पूरा करने में उन्हें 80 घंटे और 44 मिनट का समय लगा था। इस दौरान डीन ने न कहीं आराम किया और न ही नींद ली। ये धरती पर किसी भी इंसान के द्वारा आज तक की सबसे लंबी दौड़ है। तो ये रहे दुनिया के 10 ऐसे लोग जिनमें सचमुच में सुपर पावर मौजूद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।